खवात नौजरात खुश आमदीद, रमज़ान पाकिस्तान की खसूस सहरी नशरियात नश्या, में एक मरतबा फिर हम आपको ख़ुश आमदीद कहते हैं मैं हूँ सुंदस जमील मेरे साथ मौजूद है यासर कुरैशी साहब और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे जो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक मोहम्मद नोमान अरशद गौरी साहब हमारे साथ मौजूद है इस जानब और सामने Uh, हमारे साथ मौजूद हैं जी हाफिज़ नूर सुल्तान सदीकी साहब आप बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं और इनसे भी हम नात रसूल मकबूल सलील सल्लैल्ला वसम सुनने की कुछ ही देर में मेंदादत हासिल करेंगे असल वालेकाम बहुत शुक्रिया ख़वानों uh जरात अब आपको मालूम है कि हमारा जो पहला सेगमेंट है आपका और हम सबका बड़ा पसंदीदा हरफो हिकमत का सेगमेंट है जी या सिर्फ ना सिर्फ नाजरीन को मालूम है बल्कि नाजरीन को इसका इंतजार भी है बेसब्री इस तरह से।, से।, से हमें इंतजार होता है जो ही हम ये सेगमेंट खत्म करते हैं तो फिर अगले शहरी ट्रांसमिशन के इस सेगमेंट का इंतजार रहता है खुतिनों जात, हम बात कर रहे हैं हरफो हमत के इस खसूस सेगमेंट की और माशाला बहुत ही हमारे जो ये दोनों अ, इस सेगमेंट के मेजबान हैं हमारे साथ आप सबके आ, वो उनकी गुफ्तु भी हम सुनते हैं उनसे अच्छी बात सीखने को भी मिलती है और फिर जराल साहब की जो खताती है, वो भी है हमें देखने को मिलती है। की सेगमेंट है हरफो हमत का और इस पुर रौनक ट्रांसमिशन में अपना नूर लेकर इसमें शामिल हो रहे हैं नूर मोहम्मद जराल साहब सर असल और आपके बराबर में तशरीफ रखते हैं हमारे दरवेश जनाब सादा मोहम्मद आसिम महारवी साहब असल बहुत शुक्रिया जी सर अब बग़ैर किसी वक्त को जाया किए हुए जनाब जलाल साहब आगाज़ कीजिए आज के साथ <laughs> जी मेरी निगाहों में रूमी ने जो मंजर लिखा है वो है कि एक शख्स को दिल में ये ख्याल जगा कि अल्लाह का इरफान किस तरह हासिल किया जाए तो उन्हें पता चला कि एक दर्वेश है उनके पास चले जाएँ शायद कोई पढ़ने पढ़ाने को या कोई जिस तरह की तपस्या हो के आपका वो गए वहाँ पे और उन्होंने कहा कि सही आ, मेरे दिल में शौक़ है कि मैं अपने रब का इरफान हासिल करूँ और आ, वो मुझसे राज़ी हो जाए उन्होंने तो कहा ठीक है बैठो यहाँ पे जो मामूलत हैं चलते रहें चालीस दिन गुज़र गए वो हर रोज़ अपनी इबादत में अपनी रियाजत में अपने मुजाहिदों में इजाफा करते गए चालीस दिन के बाद उन्होंने सोचा कि मैं इजाज़त लेता हूँ कोई फ़र्क या कोई ऐसा मैंने महसूस तो नहीं किया तो मुझे बैठने का यहाँ पे, लेकिन उनकी इजाज़त से पहले उन दरवेश ने कहा कि बेटा इधर आओ ये लो एक मट्टी का कटोरा ये ले जाओ जंगल में और फला जो बूटी जड़ी होती है ना उसका पानी निकाल के कटोरा भर के ले आओ कतरा कतरा जमा किया जंगल में जा के सौबतें बर्दाश्त की इस शौक़ में इस मोहब्बत में कि शायद मंजिल मुराद हासिल हो जाए और जब कुछ दिनों के बाद जंगल में क़याम के बाद वो कटोरा भर गया तो वो इस शौक़ और इस मोहब्बत से वापस और एक इजतराब कि अब मैं जाके पेश करूँगा और मुझे मेरी मंजिल मुराद मिल जाएगी मेरे रब का इरफान मिल जाएगा तजस्स के साथ चलते चलते जब वो करीब पहुँचे तो शौक़ और तजस और खौफ और मोहब्बत उसने उबाला लिया वो ऐसा एक तबीयत पे एक कैफियत आई कि ठोकर लगी प्याला गिर गया और टूट गया और ये उसके ऊपर गिर गए और जो जड़ी बूटियों का पानी शेख ने कहा था वो ज़मीन ने पी लिया जब ये हुआ तो एक आवाज़ आई मेरे रब में मर गया मेरे साई में लुट गया मैंने जिंदगी में जो कमाया था जो लेने आया था मैं अपने हाथों से उजाड़ बैठा हूँ हाय मेरी बदबख्ती ये आवाज़ सुनी तो वो दरवेश कांपते हुई अपने कदमों के साथ चलते चलते आए और उन्होंने कहा बेटा उठ तू बर्बाद नहीं हुआ तू बन गया है जिस टूटे दिल से तूने अपने रब को याद किया है ना यही तो वो चाहता है कि मुझे अगर बुलाना चाहते हो मेरे साथ बात करना चाहते हो मुझसे मदद और इस्तेनत लेना चाहते हो तो टूटे हुए दिल के साथ मुझे याद करो ये सिर्फ इतनी कहानी नहीं थी कि उन्होंने टूटे हुए दिल से और प्याला टूटा तो रब मान गया नहीं हमारे इर्द गिर्द हमारी सोसाइटी में हर रोज हम किसी ना किसी का दिल तोड़ते हैं हम किसी को तंग करते हैं हम अपने मतहत जो होते हैं उनके साथ हुसन सलूक को पीछे रख के बात करते हैं ऊंच नीच दाएं बाएं जो भी हम करते हैं उसमें हमने कभी ये ख्याल नहीं किया हमारे किसी जुमले से हमारी किसी एक बात से हमारी किसी हरकत से हमारे हाँ या ना से किसी का दिल टूट सकता है ये दिल जो है ना ये बड़ी अजीब चीज है ये सोने रब का हुजरा भी है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कयाम गाह भी है यहाँ पे दुनिया भी है यहाँ पे दीन भी है बस सोच ये है कि क्या हम चलते फिरते उठते बैठते मामला करते खरीदते बेचते किसी का दिल तो नहीं तोड़ते अगर तोड़ते हैं तो खसारे का सौदा है मेरा ख्याल ये है सही कि उस मालिक ने अपने हुकूक का मामला अपने तक रखा है लेकिन बंदे से बंदे के हुकूक का मामला बड़ी अजीब सूरत हाल में डाल दिया है। उस वक़्त तक माफ़ नहीं होगा जब तक वो माफ़ ना करे जिसके साथ ज्यादती हुई है क्या कहेंगे आपने फिर रूमी की बात की मैं तो हिंदुस्तानी से दरपेश हूँ तो मुरीद हिंदी फरमाते हैं कि हजरत इकबाल तू बचा बचा के न रखसे वाह तेरा आईना है, है वो, वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तर निगाह है आईना साज, साज में वाह वाह दिल शिकस्ता होता है तो ज़हन पुख्ता होता है ऐसे बिल्कुल ठीक दिल होता ही टूट जाने के लिए वाह ये जो संग दिल हम बन चुके हैं इससे बाहर निकलेंगे ये तो ये संग टूटेगा ना सही बचा। और मौलाना रोम ही फरमाते हैं कि ये टूटता है तो वो दरार पड़ती है जिससे अल्लाह का नूर दाखिल होता है अरे सुभान अल्लाह सुभान।, सुभान। अल्लाह सही को बड़ा प्यार है वो आप जितने भूले रहे जितने भटके रहे जी सारी जिंदगी जुलमत के अंदर भी रहे जी वो सारी चीजों को दरगुजर करता है सिर्फ दिल में अगर कोई और ना हो तो वाह क्योंकि दिल उसका महल रबानी है और हमारे साथ माजरा संग दिली का है ही यही कि हमने उसके अंदर बहुत सारे दिल को एक सोमनाथ की सूरत दे दी है वाह दिल खंडर हो जाते हैं वाह तो दिलों में महलात बनाने के ख्वाब बसेरा कर लेते हैं जी। दिल खंडर हो जाते हैं तो माए इंतजार में बैठी बैठी अपनी बिनाई गंवा देती हैं और बच्चे वापस जो है वो नहीं आते दिल की सिमत होती है सही सोहाना जी मुझे याद है कि ये 2016 की बात है हमारे एक साथी थे और वो यूं भी बहुत ही मकबूल इंसान मुझे लगता है कि वो सुंदस बीबी यहूदी था सही और अल्लाह करीम ने उसके ऊपर फजल किया और वो यहूदी मजहब छोड़ कर यहूदियत मुसलमान उसके माशाल। बाद उसका नाम जो है वो रहीम जो है वो रखा गया और वो डीसी में ही जो है वो रहता है तो सैन फ्रांसिस्को में एक जो है वो वर्कशॉप थी वहाँ पर जो है मकट्ठे जो है वो हुए तो ये जो मेंडिसिनो का जंगल है ये कोई सैन फ्रांसिस्को से पाँच सात घंटे आपको लगते हैं ड्राइव करके तो अब सारा दिन हम ड्राइव करके जो है वो जंगल में जो है कैंप कैंपिंग साइट पर पहुँचे उस वक्त तक रात हो चुकी थी तो रात हुई हमने जो है खाना वाना खाया और सो गए सुबह जो है वो लेट उठे और फजर की नमाज रह गई ठीक है सर लेट उठे मैं जो है वो कैंपिंग साइट से जब फ्रेश होकर वापस आया तो वो अब्दुल रहीम जो है वो जहर की नमाज़ अदा कर रहा था एक डायरेक्शन में खैर जिस डायरेक्शन में उसने नमाज जिस समत में अदा की मैंने भी जो है उधर ही किबला रू होकर जो है नमाज अदा, अदा कर दी उसके बाद यूँ हुआ कि हम लोग लंच पे गए और मेरी एक क्लास थी जिसकी वजह से मैं असर से थोड़ा सा लेट पहुँचा और जब मैं पहुँचा तो उस वक्त वो एक और समत में नमाज जो है वो अदा कर रहा था अब मेरे दिल में ये गुमान गया कि क्योंकि यहाँ पर और मुसलमान कोई है नहीं और इंटरनेट वग़ैरह भी जो है वहाँ पे नहीं था तो शायद इसको किसी साथी मुसलमान ने बताया हो कि भाई यूँ नहीं इधर है तो खैर जब मगरिब का वक्त आया तो उसने एक तीसरी सिमत में जो है वो जाय नमाज़ बिछाई सही उस वक्त मैं जो है वो रुक गया मैंने कहा अब्दुलरिम ये क्या माजरा है कि पहली नमाज इसमें सिमत पढ़ी दूसरी इस सिमत, अब तीसरी इस सिमत में पढ़ रहे हो उसने कहा शेख इंटरनेट तो यहाँ पे है नहीं कि मेरी डिवाइस मुझे बताए कि किबला किस तरफ़ है और मुसलमान हम दो ही हैं इस कैंप में तो आ, मैंने तो ये जाना है ये पढ़ा है कि जिस सिमत में आपका कल्ब होता है वही सिमत काबा होती है सुभानत। सुभानत। तो मैंने अपने दिल की सिमत को काबे की तरफ किया और अब तमाम हुज्जत के लिए तीनों तरफ जो है वो तो नमाज पढ़ रहा हूँ ये दिल की आपने। दिल की जिनकी सिमत सही नहीं होती ना सही वो दिल तोड़ते हैं जिनके दिल की सिमत सही होती है वो एक ही चीज़ का एहतराम करते हैं और वो दिल है वाँ। क्या बात वाँ वाँ। सही, वाँ। एक चीज मुझे आपकी इस बात से जो आ, मैंने आ, ये जो दिल है जब ये गोश्त के एक लोथड़े से संग बन जाता है जिसे संग दिल कहा जाता है तो टूटता तब है अगर वो पत्थर ना बने तो टूटने से बच जाए क्या बात? अगर वो टूटता है तो इसका मतलब यह है कि उसको अभी तवज्जो की ज़रूरत है ये जो दिल है जिसे हम ले कर हर एक जगह पे जाते हैं कहते हैं ये मेरा दिल चाह रहा है ये मेरा दिल नहीं चाह रहा यहाँ मैं जाऊँगा मेरा दिल मानता है यहाँ मैं नहीं जाऊँगा मेरा दिल नहीं मानता यानी तमाम अमूर की हुक्मरानी दिल को दे के रखी हुई बड़ी है। प्यारी बात कही ठीक बिल्कुल सही बिल्कुल अच्छा सही। इस दिल को एक फॉर्मेट में रखने के लिए एक निज़ाम वो है जो हम जहा अदालतें हमने लगा रखी हैं ठीक है तुमने ये किया कानून की खिलाफ वर्जी की तुम्हारे लिए सजा ये है और दिल की अदालत लगती है तो कहा यह जाता है तुझे याद नहीं रहा तुझे किस लिए बनाया गया था सुबह तुझे तो मैंने अपने लिए बनाया था कि तू मुझे उसमें संभाल के रख तू गैर को डाल के पत्थर बना दिया इसे वो ऊपर बैठा हुआ है ना जो साई वो टूटने वाले दिल का एहतसाब या हिसाब वो करता है हम सिर्फ दुनिया की अदालतों में जाके अपना हिसाब देते हैं यहाँ का हिसाब ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन अलीमज़ात सदूर जो है वो हिसाब को ऊपर नीचे नहीं होने देता ये जो मुबारक से लेके पूरी ज़िंदगी के हमारे मामलाते हैं ना इसमें सिर्फ मामला ही ऐसी चीज़ है जो पकड़ के जो गिरफ्त में आता है मामला अच्छा है तो गिरफ्त खैर की है मामला बुरा है तो गिरफ्त सज़ा की है सही ये अल्लाह से गिरफ्त से बचाए रहम के अंदर रखें खुदा को जब हम मुमतहन तस्वुर कर लें तो वो फिर इम्तिहान ही लेगा बेश जी तो दरवेशों का तो ये है कि हम तो अल्लाह से को करीम जानते हैं बेशक और इसी गुमान में रहते हैं कि वो कर्म का मामला जो है वो फरमाएगा जहां तक ये बात है ना कि दिल दिल दिए बगैर नहीं समझा सकता। नगैर अगर आपने किसी को दिल दिया ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलता कि दिल क्या कहता है या जो दिमाग कह रहा है आप उसे दिल के जिम्मे लगा रहे हो बजा। जी? तो ये जो जज्बात होते हैं या होते हैं योर माइंड इज़ एक्चुअली द सीट ऑफ योर इमोशंस। क्वाइट राइट ठीक। इट्स नॉट योर हार्ट ये आपका दिल नहीं है जी आप किसी के मुतलक बदगुमानी की सोच या मफरूज़ा रख लिया ठीक है तो आपकी माइंड से जो है वो जज्बा एक आया ना उसके ख़िलाफ़ बदगुमानी का या दूरी का जी तो ये माइंड है ना यार इसमें दिल किधर है भैया दिल जो है उसकी जो सेंसेस हैं वो और हैं भैया जी ये जो दिल को ही दे, इल्जाम ठहराए चले जाते हैं तो दिल का उसमें लेना देना ही नहीं होता जी जिस तरह हम अपनी नलाइकियाँ जो है वो अल्लाह सही के ज़िम्मे डाल देते हैं अल्लाह जी, जी तो इसी तरह से हमने जो है वो दिल को भी जो है वो कर लिया ये जो आपका जहन है ना सही ये कंडीशन कर दिया जाता है मैं गया अलजेरिया में वहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा बड़ा यूनिक सा एक ट्राइब है वो अमाजीख़ लोग हैं जी अमाजीख वो लोग हैं जो सहरा के बाशिंदे हैं लेकिन ये इनकी नीली आँखें जो है वो होती हैं और ये सहरा मगरबिया के ही सहरा के अंदर जो है वो रहते हैं तो उनके साथ जो है वो सफ़र करने का मौक़ा मिला तो एक रात को जो है वो बैठे हुए उस आदमी से मैंने जब एक अजीब सा ही जो है वो मंज़र था कि आपके पेट्स होते हैं ना तो आप उनकी हिफाजत भी करते हैं जी बिल्ली है चाहे वो कुत्ता है चाहे बकरी है जी कोई सा भी जानवर है ऐसे ही। उसकी हिफाजत का आपने एक मैकेनिज्म बनाया होता है इंसान के साथ रहने वाले पेट जानवरों में ऊँट सबसे बड़ा जानवर है सही जी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा उन्होंने इसकी हिफाजत का जो है वो एक मैकेनिज्म जो है वो बनाया हुआ था वो करते क्या थे जी कि वो ऊंट को बिठा देते थे ठीक है अब सहरा है ना कोई पत्थर है ना उनके पास कोई चीज़ है तो वो एक इमेजरी जो है वो क्रिएट करते थे एक तस्वुर जो है वो क्रिएट करते थे एक खाली सी रस्सी जो है वो ऊंट की गर्दन में डालते थे रस्सी होती नहीं थी दिस इज़ जस्ट द मूवमेंट ऑफ द आर्म्स वो उस बड़े ऊँट के गले में डाल देते और वो फिर उसी को लाते एक तस्वुरती मेख जो है वो यूं करके ठोकते और तस्वुराती इमेजरी हथौड़े से जो है उसको टाइप कर देते और अगले दिन जो है वो कमाल लोग थे कि वो ऐसे नहीं करते थे कि उसी दिन उसी वक्त फौरी तौर पे ऊँट को जो है वो उठा दें वो सारे प्रोसेस को दोबारा रिवर्स करते थे वाह तो ये जो हमारा दिमाग है ना सही ये इसी तरह अनसीन चेंज के अंदर है हम ये समझते हैं कि दिल की मानने से शायद जो है हमारी दुनिया हमसे छूट जाएगी जी वाह। जिन ये जो जिंदा होते हैं ना बीबी इनका पता चलता है इनकी मौत के बाद ठीक शाहजहाँ का मकबरा भी होता है ठीक जी और दाता साहब का भी होता है क्या बात जी क्या बात तो जो लोग जिंदा रहे और जिनकी पता चला कि ये लोग थे जिंदा उनकी मौत ने जो है वो बता दिया दिल जिंदगी है इंसान पैदा ही उस वक्त होता है जब उसके दिल में मोहब्बत पैदा होती है इस एक अंसर को अगर आप निकाल देते हैं जी तो आप असफल साफिलीन के दर्जे के ऊपर हैं जी और यही मोहब्बत जब बढ़ने लगती है तो आलमीन है जी इसलिए दे नहीं पाते किसी गाली का जवाब वाह वाह इसलिए दे नहीं पाते किसी गाली, गाली का, का जवाब वक्त दुश्नाम भी ये महव दुआ होते वा, 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 जी मेरे करीम आका जो है वो ताइफ वालों के लिए दुआएं कर रहे थे ना जी उस वक्त भी महव दुआ थे रमजान करीम जो है ना सही जैसे नूर साहब ने बताया जी इसमें इस बात को जो है वो गिरफ्त बांध लें ये बड़े हैं इनका तजर्बा है जिंदगी का जी इल्म जो है वो मालूम और चीज है जी इल्म और चीज़ है मालूम ये है कि टमाटर जो है ये फ्रूट है बिल्कुल ठीक ठीक है ये ठीक मालूम ये हैं टमाटर फ्रूट है ठीक है लेकिन आजकल जो है इफ्तार में मेरे ख्याल में यहाँ पर भी फ्रूट चाट में जो है वो कोई टमाटर नहीं डालता खत <laughs> नहीं ये जो नहीं, है ये इल्म है बिल्कुल तो ये जो तजर्बाकार लोग हैं ये जब इस तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि यार ये दिल ना तोड़ो ये तुम लोगों ने दिल ही तोड़े हैं कि लोग अब एक दूसरे से दस्ते गिरे सही मुझे एक बात आपने शाहजहां की वो मिसाल दी तो मुझे तो अपने शहर लाहौर जिसे हम शहरों का सरदार कहते हैं बिल्कुल ये दातागंज बख्श अली हजवे रहमत का मिज़ार है बेशक पौने दस सौ साल हो गए ये आवाम का आना जाना तांता लंगर दुआएं तकसीम हो रही हैं और आज तक कभी ये नहीं हुआ कि किसी इब्तला के दौर में हुआ हो तो पता नहीं कि यहाँ कभी ये फ्यूजात रुके हों साथ ही ऐबक रोड पे कुतुबुद्दीन ऐबक का है हिंदुस्तान का बादशाह जिसके नाम का सिक्का चलता बिल्कुल, था बिल्कुल। जिसकी एक जुम्बश कलम से लोगों की गर्दनें उड़ जाती थी इतना बड़ा ताला लगा हुआ है ऐसा ही है बेशक। क्योंकि दिलों पे हुक्मरानी करने वाले और होते हैं दिमाग के ऊपर अपने जोर अपने जोम से हु करने वाले और होते हैं दिल पे करने पर हमेशा जीतते हैं उनका नाम बाकी रहता है गजनी से आने वाला ये मुहाजर, इसका कोई बरादरी तो नहीं थी इनकी यहां पे। कोई रहने सहने वाले जानते भी नहीं थे जुबान लिबास हर चीज थी लेकिन दिल जो है यह दिल अगर हम अल्लाह की तरफ मोड़ लें और उसके नाम की कोई जिक्र कर लें तो ये भी हमारी उसी का हिस्सा है आज असमा हसना में हमारा जो अल्लाह का मुबारक नाम है अल्दूस बहुत तकद्दस वाला बहुत मरतबे बुजुर्गी पाकिजगी वाला और इसको मैंने ख़त कोफ़ी में लिखा है ख़त कोफ़ी जो मेट्रिकल ख़त होता है इसको आप जहाँ भी देखेंगे कोई डायरेक्शन जाविये के ऊपर होगी और जो इब्तई अवायल यानी इब्तदाई जब इस्लाम के अहकाम और कुरान को लिखा गया ना सुंदस और यासिर भाई तो वो ख़त कोफ़ी में था कहा ये जाता है कि ख़त कोफ़ी के पहले खत्ातों में हज़रत अली करमल्लाजुल करीम थे इसीलिए उनको कुरान की किताबत पे लगाया गई ये है अल्दूस अच्छा। तो हम अल्लाह के इस नाम को लिखने की सई करते हैं और आज मैं अपनी कोताइियों की माफ़ी भी अल्लाह से मांग रहा था अल्लाह तेरा नाम इतना प्यारा है मैं उतना खूबसूरत लिख नहीं सकता तू मुझे माफ रखना अरे सर मैं तेरी मैं सॉरी मैं कथा कलामी की माफी क्योंकि यहाँ पे जिस मेहनत से आप ये तमाम शाहकार और ये, ये मैं समझती हूँ उस मैंने जरूर एक बात और मैं पिछले पाँच दिन से अब आज पाँचवा पाँच इनशा दिन है मैं एक बात आ, नोटिस करी थी मैंने जरूर पूछना था आपकी जितनी भी कैलीग्राफी है उसमें गोल्डन रंग जी, जो सुनहरी रंग है उसका बड़ा आ, बेलौस अंदाज से उसका इस्तेमाल किया गया इसकी क्या खास वजह मैंने में, जान बूझ के ये थीम बनाई है अच्छा आप ये देखेंगे एक तो ये जमीन से जुड़ा हुआ रंग है जो ये डार्क है

ये आका करीम को पसंद था जी आपकी बहुत सारी दस्तारें जो है वो ज़ाफरान में जो है वो रंगी हुई जो वाँ वाँ है, वो होती थी एक तो वो है कुदूस तकदीस ही हमारे अंदर नहीं रही किसी चीज़ की जी और हमारी अलाइनमेंट जो ख़राब हुई है उसमें है यही कि हम सेक्रेट किसी चीज़ को जो है वो नहीं समझते तो अल्लाह करीम के इस इसमें मुबारक को अगर आप फजर की नमाज के वक्त जो है इसकी तस्वीर करते हैं तो आपके अंदर गुस्सा और एंगर जो है वो कम होती है और लोगों और मखलूक के अंदर आपकी इज्जत और आपकी तक़रीम होती है आपकी जबान मुबारक जो है वो हो जाती है वाँ। तो ये होता है सुभान अल खुदूस अगर फजर की नमाज के बाद आप 100 सौ तबा जो है उसको पढ़ने का मामला सुभान, सुभान जी मैं अल खुदूस का इरशाद करता पाक निहायत और मुकद्दस तू है अल खुदूस अल्लाह पाक निहायत और मुकद्दस तू है अल खुदूस शान तेरी में रत्ब लिसा हर मुंह है अल खुदूस अरफा आला, आला आला बाला बाला तेरी तेरी पाक पाक सुबहान, Allah, सुबहान, सुबहान, सुबहान Allah, 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 बहुत खूब और खुतिन ये एक ऐसा सेगमेंट है इसमें मैं जसारत नहीं कर सकती बोलने की ये हमारे मैंटोर्स हैं और ये रमजान पाकिस्तान कि सहरी नशरियात के सेगमेंट के मेजबान हैं हम बल्कि मेहमान होते हैं क्योंकि हम सुनना चाहते हैं हम सुनने वालों की फहरिस में रहना चाहते हैं सर अल्लाह आप आपको बहुत आप दोनों को खुशियाँ दे कामयाबियाँ दे आमीन सुन इनशा कल आपसे मुलाकात होगी इनशाला तवतिन इस वक्त हम बढ़ेंगे उस जानब जहाँ पे हमारे भाई हाफिज नूर सुल्तान सदी साहब मौजूद है और उनसे नाते रसूल मकबूल सल अल्लाह सुनने की बिस्मिल्ला शाह है खूब तू जाने जाना तू शाह है खुबा तू जाने जाना है चेहरा उल की तेरा मिसाल तेरी जवाब तेरा बन सकी है बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा

ताजा शबाब तेरा है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताजा शबाब तेरा और खुदा तूर लाखों जो एक भी उठता ही जाबते

तु जिनकी है नात पड़ता वही तो साब तेरा अरे तू जिनकी है नात पढ़ता अरे तू जिनकी है नात सुन वही तो लेंगे हिसाब तेरा न बन की है बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा